असलम जी सो वी आर स्टार्टिंग विद अनदर मॉड्यूल और इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि अडोबी एक्सटी में डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है सो अडोबी एक्सटी स्टार्ट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यू एक्स क्या चीज़ है यू आई और यू एक्स में क्या डिफरेंस है और यू एक्स में मज़द क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है uh, तो यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं कि यूएक्स एक्चुअली है क्या यू एक्स एक्चुअली इज़ द इंटरेक्शन विद एनी कंपनी आप किसी भी कंपनी की कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कोई सर्विस यूज़ करते हैं और वह प्रोडक्ट सर्विस यूज़ करने के बाद आपका उस कंपनी के बारे में क्या फीडबैक है दैट इज़ एक्चुअली द यू एक्स दैट इज़ एक्चुअली द यूज़र एक्सपीरियंस तो यूज़र एक्सपीरियंस को हम कलर्स और फॉन्ट के साथ तो रिलेट नहीं करते तो यू एक्स इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म और द यू आई इज़ जस्ट अ सिंगल पार्ट ऑफ़ द यू एक्स ठीक है तो यहाँ पे अगर हम पास्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें जब वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाती थी डिवेल्प की जाती थी तो जब उनको मार्केट में लॉन्च किया जाता था तो सारे ये बात करते थे कि ये एक स्पेसिफिक वेबसाइट है यहाँ से जाके आप अपना ये वाला मसला सॉल्व कर सकते हैं ये वेबसाइट आपका ये वाला ये वाला मसला सॉल्व करिए लेकिन ये कोई बात नहीं करता था कि वो मसला उस वेबसाइट पे जाके सॉल्व करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है सो so, अगर हम आज की प्रोडक्ट्स की बात करें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू एक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट डिज़ाइन से ज़्यादा उसकी वर्किंग से ज़्यादा ये देखा जाता है कि हाउ इजी द वेबसाइट और द मोबाइल एप्लीकेशन इज़ टू यूज़ ठीक है जी तो इसके बाद हम एक यूज़र जर्नी की तरफ आते हैं कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि यूएक्स इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है और द ईज़ीनेस एंड द कंफर्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास केस uh, स्टडी ये है कि देर इज़ अ पर्सन जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट से एक घड़ी परचेज करना चाह रहा है uh, तो वहाँ पे उसकी जो मैपिंग है जो उसकी जर्नी है वो कैसी रहती है तो फोटोशॉप में इसको जाके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं तो मैंने कुछ वैसा ही uh, यहाँ पे एक स्केल uh, डिज़ाइन uh, किया हुआ तो एक यूज़र एक कंपनी के पास आता है जी वॉच परचेज़ करने सो so, उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी थी उस वेबसाइट की रेपुटेशन अच्छी थी जिसकी वजह से ही स्टार्टेड वेल ठीक है ही वॉज वेरी सेटिसफाइड कि मैं एक वेल रिप्यूटेड कंपनी से घड़ी परचेज करने जा रहा हूँ सो so, इस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट दिस वॉज द रेपूटेशन ऑफ दैट कंपनी ठीक है इसके बाद वो जब उस वेबसाइट को ओपन करता है उसका जब यू देखता है तो वो और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है तो जो उसकी हैप्पीनेस है वो मज़ीद ऊपर चली जाती है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है कि वो उसका सर्च इंजन यूज़ करता है टू सर्च फॉर अ स्पेसिफ़िक वॉच तो सर्च इंजन यूज़ करते हुए uh, जब वो इसको, इसको इस्तेमाल कर रहा होता है वो यहाँ पे कोई क्यूरी राइट करता है तो ये सर्च इंजन उसको मज़ीद रिलेटेड वर्ड्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स सजेस्ट नहीं करता उसको मज़ीद नेविगेशन में मुश्किल होती है तो यहाँ पे जाके उसकी जो सेटिसफेक्शन है वो थोड़ी सी डाउन चली जाती है ठीक है इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट इंट्रेक्शन है दैट इज़ जब वो उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को रीड करता है तो उसने उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पढ़े तो ज़ाहिर सी बात है अगर तो वो रियल व्यूज़ हैं तो उससे बड़ा अच्छा फीडबैक लिया जा सकता है और डिसाइड किया जा सकता है वेदर वेदर टू परचेज़ द प्रोडक्ट और नॉट तो यहाँ पे उसको ज़्यादा रिव्यूज़ मिलते हैं ज़्यादा लोगों की फ़ीडबैक्स मिलते हैं और उसका जो सेटिसफेक्शन लेवल है दैट गो अप वंस अगेन उसके बाद जब वो प्रोडक्ट डिसाइड कर लेता है जब पेमेंट्स की बारी आती है तो यहाँ पे पेमेंट्स uh, में उसको कोई एरर मैसेज बार बार देखने को मिलता है ठीक है उसका जो डेबिट कार्ड है वो उसको अटैच करने में मुश्किल होती है उसे पेमेंट करना मुश्किल उसको फील हो रहा होता है सो so, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो चला जाता है कि दैट ही इज़ नॉट हैप्पी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यू आई अगर बहुत अच्छा था उसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा था लेकिन सर्च इंजन जब वो यूज़ करा था उसको यहाँ पर यूज़ करते हुए मुश्किल आई जब उसने पेमेंट्स देनी थी उसको यहाँ पर मुश्किल आईं तो इसका मतलब है कि दोवरऑल एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड फॉर दिस प्रोडक्ट ये जो वेबसाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो इट मीनस ये जो सर्च वाला पार्ट है जो वो सर्च कर रहा था जो एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिले पेमेंट्स के दौरान जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिले तो यू एक्स की सिर्फ वजह से द ओवरऑल एक्सपीरियंस वेंट डाउन ठीक है तो दैट इज़ वाई द यू एक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वन डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशनस इसके बाद हम यू के पिलर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं uh, अगर हम डिज़ाइंस uh, की बात करें विजुअल डिज़ाइंस की बात करें तो विजुअल डिज़ाइन इज़ जस्ट द वन पार्ट ऑफ द यू ठीक है यू के अंदर मज़ीद इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं दैट इज़ द बिज़नेस एंड द टेक्नोलॉजी तो बिज़नेस के अंदर डिस्कस किया जाता है कि बिज़नेस मॉडल क्या होगा इस प्रोडक्ट का आ, और मुख्तु चीज़ें इसके अलावा टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होगी सो डिज़ाइन इज़ जस्ट द ओनली वन पार्ट ऑफ द यू इसके बाद हम यू एक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यू एक्स के अंदर आ, मजीद जो इसकी फील्ड्स हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आ, इन सारों में क्या डिफरेंसेस हैं तो अगर हम विजुअल डिज़ाइंस की बात करें तो विजुअल डिज़ाइंस के अंदर आपको एस्थेटिक्स देखने को मिलते हैं और अगर आप किसी फ़िज़िकल प्रोडक्ट की बात करें फ़ॉर एग्जांपल एक चेयर है तो वो चेयर आपको पड़ी हुई कैसी नज़र आती है दैट इज़ द विजुअल डिज़ाइन ऑफ़ दैट चेयर इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट द साइट मैप्स ठीक है जैसा कि आपकी कोई वेबसाइट है और उसमें एक आपने मेन्यू डिज़ाइन करना है तो ये हरारकी क्या होगी आप मेन्यूज़ को प्रायोरिटी कैसे देंगे और अगर हम किसी मेन्यू को ओपन करते हैं तो उसमें मज़ीद ऑप्शनस किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है उनकी हरारकी कैसे सेट की हुई है तो ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है इंफॉर्मेशन की दैट इज़ द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ठीक है तो उसके बाद हम आते हैं जी इंटरेक्शन डिज़ाइन इंटरेक्शन डिज़ाइन अगर हम बात करें इंटरेक्शन डिज़ाइन की तो इंटरेक्शन डिज़ाइन इज़ एक्चुअली द बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है आ, जैसा कि आपने कोई फॉर्म सबमिट किया और उस फॉर्म के एंड पे आपको एक मैसेज मिला दैट योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड और एक मजीद आपको बटन मिलता है जो कि आपको किसी और स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट करता है ठीक है तो ये इसका बिहेवियर है कोई फ़ीडबैक वो आपको दे रहा है आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन पे क्लिक करने के बाद वो एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले करता है कि आपने जो फंक्शन परफॉर्म किया है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और इसके अलावा इसमें जो भी डिफरेंट एनिमेशनस हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ द यूज़िलिटी कि कोई भी प्रोडक्ट कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है जैसा कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाएं तो आजकल जो ट्रेंड है वो ये है कि जो साइन अप फॉर्म्स हैं उनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है या उनको डिफरेंट सेक्शंस में कैटेगराइज कर दिया गया है ठीक है ताकि किसी भी यूज़र के लिए रजिस्टर करना साइन अप करना आसान रहे तो दो तरीके से अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे साइन अप करें तो दो मेथड्स यूज़ होते हैं एक तो ये कि सिंपल एक इंफॉर्मेशन की बेस पे आप साइन अप कर सकते हैं जैसा कि सिर्फ ई की बेस पर कर सकते हैं आप अपना पासवर्ड एंटर करें और रजिस्टर कर लें सेकेंड ये है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज कर दिया जैसा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल इन्फॉमेसन तो स्टेप वाइज आप इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं और आप इस इंफॉर्मेशन को सबमिट कर देते हैं इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट तरीका है कि गूगल और फेसबुक और बाकी सोशल मीडियाज़ के थ्रू भी साइन अप किया जाता है सो so आप वन सिंगल क्लिक के ऊपर किसी भी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर लेते हैं सो हाउ इजी द वेबसाइट द प्रोडक्ट इज़ टू यूज़ ये डिसाइड करता है दैट हाओ वट इज़ द एक्चुअली द यूजबिलिटी एट हाउ इजी द वेबसाइट इज़ टू यूज़ उसके बाद यूज़र रिसर्च इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले जिस भी हम आइडिया पे काम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट करते हैं तो यूज़र रिसर्च पहले की जाती है कि हम किन यूज़र्स के लिए इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं इस वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं वो यूज़र उनका ताल्लुक कहाँ से है वो किस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी लैंग्वेज कौन सी है ठीक है वो उनका जो प्रॉब्लम है हम उसको बेहतर तरीके से डिफ़ाइन करते हैं इसके अलावा इंडिविजुअल्स के साथ भी मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए या ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ कुछ मीटिंग्स की जाती हैं ताकि हमें कुछ डाटा मिल सके और उसकी बेस पे हम कोई सॉल्यूशंस डिफ़ाइन कर सकें तो यूज़र रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी प्रोडक्ट जो भी उसका रिसर्च uh, वाला प्रोसेस होता है इसके बाद कॉन्टेंट स्ट्रेटजी है तो कंटेंट स्ट्रेटजी के अंदर जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एप्पल की वेबसाइट पे जाऊँ तो आपको यहाँ पे कुछ लेआउट नज़र आ रहा है कुछ कंटेंट नज़र आ रहा है कंटेंट टेक्स्ट की फॉर्म में भी है इमेजेस की फॉर्म में भी है तो इस कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करना है दैट इज़ द कॉन्टेंट स्ट्रैटी तो कॉन्टेंट स्ट्रेटजी के अंदर कॉपी टेक्निक्स भी आ जाती हैं सो so, यहाँ पे अगर हमने कुछ टेक्स्ट राइट करना है लेकिन वो टेक्स्ट क्या राइट करना है दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्टेंट स्ट्रेटजी तो कॉन्टेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करता है कि हमने कौन से बटन पे क्या चीज़ लिखनी है कौन से बैनर पे कौन सा टेक्स्ट लिखना है कहाँ पे कौन सी इमेजेस यूज़ करनी है सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ़ द कंटेंट स्ट्रेटजी सो ये हमारे पास एक यूएक्स एम्ब्रिला थी सो आई होप कि आपको इन सब चीज़ों की एक बेहतर समझ आई होगी सो नेक्स्ट लेसन के अंदर हम मजीद यू एक्स को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद अरबी एक्सटी में यू आई बनाना शुरू करेंगे सी यू इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच